तो अभी हम लोग हैं कॉमिक मोनेस्ट्री के पास। वो ऊपर मोनेस्ट्री है, वो ऊपर मोनेस्ट्री है और नीचे जो है गांव है, और चारों तरफ है स्नो। और मस्त चीज़ वो देखो, सामने लगा हुआ एक हैंडपम्प, और उस हैंडपम्प का जो पानी है वो आइस बन गया है। इनफैक्ट यहाँ की जो पूरी रोड है, इट्स ऑल आइस। मैं जो है बस स्नो चेन्स लगा के चल रहा हूँ, भगवान भरोसे 4x4 में डाल के, एंड इट इज टू मच फन। वेरी मॉर्निंग, हे गाइस, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू एबी वेंचर्स। तो अभी हम लोग हैं गाजा में एंड आई जस्ट वांट टू शो यू द सीन। मेरे से फोन पकड़ा नहीं जा रहा, मेरा हाथ एकदम सुन्न हुआ पड़ा है। बट साथ ही साथ आप ये देखो द टेम्परेचर राइट नाउ -10 degrees। मैं इसके पास आया हूँ थर्मोमीटर के, तो ये 10.1 से 9.8 हो गया है। -10 degrees, दिस इज द व्यू। ऑसम। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा प्लान है चिचम जाने का और वहाँ से वापसी में हिक्की माने का। अभी बस हम चिचम ब्रिज पहुंचने वाले हैं। चिचम ब्रिज इज द हाईएस्ट ब्रिज इन एशिया। हमारे ड्राइवर आशीष बिल्कुल पैक्ड है आज, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, 4x4 भी लगा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा सा स्नो आइस पे भी ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा स्नो है, ऑल्दो रास्ता क्लियर है, बट हाँ बीच बीच में आइस मेल्ट, मतलब स्नो मेल्ट होके रात में जैसे पानी बन गया था, जो वो आइस बन गई है, तो बीच बीच में काफ़ी स्ट्रेचेस में आइस आ रही है, ब्लैक आइस। तो उस पर आशीष को ड्राइव करना से थोड़ा सा यू नो एड्रेनलिन रश फील हो रहा है। सो अब ओवर टू आशीष। हेलो, गुड वेरी मॉर्निंग वंस अगेन। दैट ओवर देयर इज चिचम विलेज, आप देख सकते हो पूरा स्नो से भरा हुआ, मस्त लग रहा है एकदम। और यहाँ सारे पहाड़ जो हैं दे आर वाइट, टोटली वाइट। मेरी गाड़ी की जो है ऐसी तैसी फिर गई अंदर से, अभी मैंने स्टार्ट करके छोड़ रखी है, बट सब कीचड़ वीचड़ अंदर घुस गया इसके। वो देखिए फिसलते फिसलते हमारे को पायलट आ रहे हैं कीचड़ में से। तो चिचम विलेज आपने देख लिया कैसा दिखता है इन स्नो। अभी जो है हम लोग जा रहे हैं वापस अपनी कार की तरफ, देन विल हेड टूवर्ड्स चिचम ब्रिज। थोड़ा सा उसको देखते हैं, देर इज आर धनो। हम लोग इसको बंद करके अभी नीचे गए थे क्योंकि चलती हुई छोड़ के जाने में डर लग रहा था कोई लेके भाग गया। तो वैसे तो यहाँ के लोग बहुत शरीफ हैं, पर फिर भी हम तो दिल्ली वाले हैं ना, हमें तो डर लगता है। लास्ट टाइम हम चिचम से निकल के लोसर गए थे और ये रास्ता था। अब इस रास्ते पे सारी स्नो है और हमारी गाड़ी डुक डुक कर रही है, आशीष का दिमाग ख़राब हो गया है। लोसर का रास्ता भी नीचे से भी नहीं खुला है और ये ऊपर से जाने की कोशिश कर रहा है। मैं लोसर नहीं जा रहा हूँ, मैं थोड़ी दूर तक जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए।
इज द एशियाज हाईएस्ट ब्रिज डेक, जो नीचे जो वैली है उससे सबसे ज्यादा हाइट पे बना हुआ ब्रिज है ये। मेरे को क्यों मार रहे हैं, मैं गीली हो रही हूं। दैट इज़ किब्बर विलेज। और अभी जो है हम लोगों ने यहाँ पे अपना लंच किया है कैफे में। इट वॉज़ अ डिसेंट लंच। और एक बहुत वियर्ड सी प्रॉब्लम आ गई है गाड़ी में, हमने इसमें लगाया था वाटर टैंक और गलती ये हो गई मुझसे कि मैंने इसको खाली नहीं किया यहाँ पहुँचने से पहले। अभी नहीं चलेगा मैं, शू मोटर ऑन करनी पड़ेगी। अब हो ये रहा है, एक मिनट पकड़ो इसको, हो ये रहा है कि इसके अंदर जो पानी है वो मोस्ट प्रॉब्ली रात में आइस बन गया है, अब वो पिघला है थोड़ा सा और जो आइस की ऊपर कोई ब्लॉक है या कुछ है वो तैर रहा है और वो गाड़ी में टकरा रहा है, जैसे मतलब झटके लग रहे हैं कुछ हो रहा है तो टकरा रहा है। पहले मुझे लग रहा था कि शायद टायर से कोई आवाज़ आ रही है। एक मिनट इधर आओ ना, ये देखो अब मेरे पास इसका कोई और तरीका नहीं है, मुझे लग रहा है बस ये यहीं पर खाली करनी पड़ेगी। पकड़ो, खाली करूँ मैं, अगर जितना पानी निकलता है वो निकाल दूँ। पंप खराब हो जाएगा। कहाँ है पानी? हटो हटो हटो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये बर्फ ही जमा हुआ है, नहीं निकलेगा। ऐसी आवाज़ के साथ ही गाड़ी चलानी पड़ेगी थोड़ी देर। बैठो। तो दैट वॉज किब्बर विलेज। लास्ट टाइम हम लोग जब स्पीति आए थे तब यहाँ पे ऊपर एक मोनेस्ट्री का रास्ता जाता है, हम उधर भी गए थे, बट अभी हम वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें जाना है लांजा। और अरे वो बंद गाड़ी में बैठा है, उसे थोड़ी ना पता चलेगा। चलो मेरी गाड़ी मत तोड़ो। तो बाय बाय किब्बर। Kibber Wildlife Sanctuary is home to many wild animals like red fox, Tibetan wolf and snow leopard. पर हमें एक आईबेक्स का झुंड मिला which was looking damn awesome. और बर्फ़ और सूखे पहाड़ों के बीच में आखिर हमें थोड़ी वाइल्ड लाइफ दिखी गई। निकाल के वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, हाथ एकदम जम जा रहा है। तो
बिल्कुल निकाल नहीं सक रहे, बहुत ठंडी हवा है, एक्सट्रीम कोल्ड, माइनस में होगा टेम्परेचर इस वक्त। अभी हम लोग पहुंच गए हैं, अरे कौन सी जगह थी, लांजा नाम ही भूल गया। गाड़ी जो हम लोगों ने पीछे पार्क करी हुई है, आदिव गाड़ी का ध्यान रख रहा है, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू वॉक, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर आप देखो तो रास्ता वास्ता है नहीं, ये पैदल जाने का ही रास्ता है। तो बस एक बार बुद्ध भगवान के जो है सामने से दर्शन करके और उसके बाद हम लोग आगे निकलेंगे। कोशिश ये है कि हिक्किम जाना है, अब वो रूट कितना खुला हुआ है वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। हिक्किम का जो रास्ता है उस पर बर्फ़ पड़ी हुई है, अभी भी रास्ता खोला है इन लोगों ने बट नॉट प्रॉपरली, तो हो सकता है कि हमें स्नो चेन वगैरह कुछ लगा के जाना पड़े आगे, तो देखते हैं एक बार ये यहाँ से निकल के। डर लग रहा है यार। ए तुम बोलो ना, हम कर सकते हैं तो कुछ भी सकते हैं। तो बस हिम्मत, डर लग रहा है, हिम्मत देती रहे ना, बाकी देख लेंगे बाद में, मत कुछ बोलो। और एक बार आपको सामने से दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो हिक्किम लांजा से हिक्किम जाने वाली रोड पे सारा स्नो है, मेल्टेड स्नो, और अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो आशीष को थोड़ा सा ट्राई करना है स्नो पे ड्राइव करने के लिए, तो इसलिए स्नो चेन लगाने के सोच रहा है। ट्राई करते हैं कि हम वो कहाँ तक सेफली जा पाते हैं और फिर वहाँ से हम वापस आ जाएंगे। इसलिए आशीष स्नो चेन भी फ्रंट व्हील्स नहीं लगा रहा है, अभी बैक व्हील्स नहीं, उस पर चेन नहीं लगा रहा है, तो अगर लगेगा, ज़रूरत लगेगी तब लगाएंगे। आओ टायरों को ज्वेलरी पहनाई जाए। और हम अब इससे चढ़ने जा रहे हैं, अभी मैंने सिर्फ आगे वाले व्हील पे लगाई है, पीछे वाले पे नहीं लगाई है, क्योंकि आगे वाला जो है वो खींचने का काम करेगा गाड़ी को, तो इसी पहिए से हमें ट्रैक्शन भी मिलेगी और इसी पहिए से हमें जो है नेविगेशन भी मिलेगा। तो चलो, जय माता दी। That over there is Hikkim. हम अभी पूरा वहाँ तक नहीं गए हैं क्योंकि ये जो रोड है अगर आप देखोगे इसको, दिस इज़ नॉट टारमैक, ये स्लश है और गाड़ी बहुत ज़्यादा स्किड खा रही है इसके ऊपर, तो काफ़ी रिस्की हो रहा है, मतलब गाड़ी मैं आगे भगाने की कोशिश करता हूँ तो लेफ्ट राइट स्किड खा रही है स्लश के ऊपर।
नीचे जो है प्रॉपर ज़मीन नहीं है, तो वो रिस्क लेने वाली बात है। अभी रिस्क मैं लेना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए हम लोग आधे रास्ते से वापस आ गए। अगर इधर देखोगे आप तो सारा स्नो है रास्ते के ऊपर, रास्ता खुला है बट ओनली फॉर एकदम प्रायोरिटी, जिसको बोलते हैं ना कि किसी का एकदम ज़रूरी काम अटका हुआ है तो वही जा रहा है, टूरिस्ट वगैरह इधर है नहीं भाई। तो हिक्किम तो अभी हम जा नहीं पाए बट हम लोग पहुंच गए हैं कॉमिक सी, और दैट्स आर लायन टाइगर व्हाटएवर बीस्ट जो हमें यहाँ तक लेके आया है। और देखो बहुत सही से काम कर रही है अभी तक, पीछे वाले की अभी तक मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं है और ये मस्त काम कर रही है। बस इनको जो धोना पड़ेगा ना वो गजब होने वाला मेरे साथ। तो अभी हम लोग कॉमिक विलेज जा रहे थे और ये देखो एक मस्त वाली चीज़, ओहो तो नज़र आई है मुझे, वो देखो आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट, मैं पहले रोड पे आ जाऊँ। वो हैंडपम्प है और उसका पानी जो है वहाँ पे वो जमा हुआ है। हम लोग जो है फिलहाल इस टाइप की रोड पे चल रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ओह शीशा गंदा हो गया, बहुत मज़ा आ रहा है। ओए 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 ओए। तो हम लोग जो है अभी कॉमिक में हैं और बस अब यहाँ से वापस निकल रहे हैं टूवर्ड्स काजा। तो तो जैसे तैसे रात के अंधेरे में हम अपने होटल पहुंच ही गए। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। हम जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग कीप लिविंग सी या।